जी नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जजाकुमुल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत जी का कॉल लग गया, अल्लाह का बहुत बहुत फजल है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत जी की उम्र में बरकत अता फरमाए। जब भी मैं यूट्यूब इंटरनेट वगैरह पर हजरत जी का जब चेहरा देखता हूँ तो माशाल्लाह दिल बाग बाग हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। हजरत जी के चेहरे पर जो नूर है माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। मैं तो इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ दरअसल, और मैं यहाँ का इंजीनियरिंग का तालिब इल्म हूँ, और हजरत में पढ़ाई में यहाँ पर कमजोर हूँ। और जो स्किल और टैलेंट होना चाहिए पढ़ाई में, एक तरीके से कहते हैं कि एक स्किल होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए और महारत होनी चाहिए इलम में, तो वो हजरत मेरे अंदर कम है, तो मैं उसको बढ़ाना चाहता हूँ। तो हजरत को ऐसा मुख्तसर सा अमल बता दीजिए ताकि मेरे पढ़ाई में भी तरक्की हो और मुझे अच्छी फ्यूचर में जाके अच्छी जॉब मिले, अच्छा कारोबार मिले, अच्छा मुलाजमत मिले। तो इस ठीक हवाले से हजरत मेरी रहनुमाई फरमाए और कोई अमल बता दीजिए। जजाकुमुल्लाह। ठीक है, बहुत अच्छा। बाकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इंग्लैंड से कॉल कर रहे हैं, आपकी मोहब्बत को अल्लाह कबूल फरमाए, आपकी दुआएं हमारे हक में कबूल हों, और आपकी जो इजहार मोहब्बत है अल्लाह तबारक व ताला हमें जो ज़ाहरी बातिनी दोनों तरह के नूरों से मुनव्वर फरमाए। ज़ाहिर है कि चेहरे के नूर के साथ बातिन का नूर, मैं हमेशा कहा करता हूँ, असर है। अल्लाह कलब को हमारे और मुनव्वर फरमा दे, और अल्लाह तबारक व ताला का हम शुक्र करते हैं कि उसने हमें जो हर एतबार से जो है वो आप हजरात की मोहब्बत का बायस बनाया है, और अल्लाह ताला आप हजरात की मोहब्बतों को सलामत रखे। और बाकी आपने जो सवाल किया अपने मकसद के लिए नोट कर लें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये जो दुआ है रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये आपने रोज़ाना 125 मरतबा पढ़नी है। 125 टाइम आप जो है रब्बी ज़िदनी इल्मा के विद करें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। पढ़ के आप अपने सीने पे दम करें, अगर आधा कप पानी दम करके पी सकते हो पी लें, वरना पढ़ के सीने पे दम करके दुआ कर लें। ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप हैरान होंगे, इंशाल्लाह आपकी तालीम आसान हो जाएगी और आप जो मतलूबा और टैलेंट जो चाहते हो पैदा हो जाए, इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा टैलेंट पैदा हो जाएगा। तो रब्बी ज़िदनी इल्मा, और ये 90 डेज़ बल्कि 92 डेज़ आप ये अमल पाबंदी से करें। मैं भी दुआ करूँगा अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर दें। जब आप टैलेंटेड जो है इंजीनियर बन जाएंगे तो जॉबों का मसला नहीं, इंशाल्लाह रोज़गार आपका इंतज़ार करेगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सर।